मैसेज प्राप्त हुआ है कि एक परिवार के 3 व्यक्तियों की यहाँ पे हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस सुबह ही पुलिस की टीम जो है अपने यहाँ पे उपस्थित रही है और ये अपना पूरा घटनास्थल देखने के लिए और इसमें जांच पड़ताल के लिए भी अपनी बाकी अगर कोई भूमि संबंधित इशू हो या पुराने कोई इशू हो उसको भी जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जाँच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार रहे उनके ऊपर जो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी वो सब भी करेगी। प्रशासन की ओर से कोई सहायता भी जो भी अपने प्रशासन की तरफ से लाभ मिलता है इन लोगों को जो भी अपने SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में तो FIR दर्ज होते ही हम लोग जो है उन लोगों को जो लाभ मिलना है वो सब भी पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं। सर आरोपियों की पूरा चेक करेंगे, जिसने भी अपने नियमानुसार कार्यवाही करनी है अगर वो उन लोगों का कोई नियमानुसार कोई है नहीं है तो सभी कार्यवाही जो है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है किया जाएगा। आज सवेरे 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ था, एक घमंडी अहिरवार का परिवार था और दूसरा जगदीश पटेल का परिवार, इनमें कुछ महिला संबंधी इशू था। अभी स्थिति विवेचना के दौरान स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज सवेरे सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणा का अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती राज प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पर डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा, जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्तार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।